पंजाब सरकार जनता को सेहत संबंधी हर सहूलत मुहैया करवाने के लिए वचनबद्ध है और इसके तहत पंजाब सरकार ने जनता की सुविधाओं के लिए एक और कदम बढ़ाते हुए पंजाब में करीब 2000 फार्मेसी और ब्लड टेस्ट की लैब नहीं खोली है, जिनमें आज जिला मोगा के सरकारी अस्पताल सहित जिले के 9 सरकारी अस्पतालों में पंजाब हेल्थ कारपोरेशन के चेयरमैन बलजिंदर सिंह बराड़ की ओर इन फार्मेसियों का उद्घाटन किया, जिनमें से मरीजों को 24 घंटे 218 किस्म की दवाइयां और 50 तरह के टेस्ट मुफ्त किए जाएंगे। वहीं इस मौके गुरमिंदर सिंह ने बताया कि पंजाब सरकार की ओर किया जा रहा है ये उपराला बहुत ही अच्छा कदम है, इससे गरीबों को काफी लाभ मिलेगा। अज असी जी इतने फार्मेसी जिहड़े असी मोगे सिविल हॉस्पिटल च बैठे हाँ। मोगा बहुत पुराना शहर है, मन्या परमन्या हुण तां इंटरनेशनल शहर है, क्योंकि इत्थों दे जिहड़े बसिंदे जिहड़े बाहर जिहड़े मुल्कां दे विच बैठे आ लोक, न्यूजीलैंड आस्ट्रेलिया कनेडा दे विच तां बहुत वड्डी गिणती च बैठे आ। इस शहर की जिहड़ी गल है बहुत दूर तक जाती है। सो मैं आप जी दसना चाहवागा कि असीं अज फार्मेसी का जिहड़ा उद्घाटन किया, ये फार्मेसी के हर तरह की दवाई उपलब्ध है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, बिल्कुल फ्री है। और सब तो वड्डी गल है जिस टैसट होणगे कोई भी किसी तरह का व्यक्ति आके टैसट फ्री करा सकता है, और ये बाहर होगी हॉस्पिटल तो जो लोगों को आना जाना सौखा रहे। जो उन्होंने डॉक्टर की जरूरत नहीं जो उन्होंने कोई नहीं उन्होंने सलाह मशवरा करना सीधा कई बार फार्मेसी से कोई दवाई लेके जानी है जी कि पहले चल रही है तो जब का कोई टैसट करा के जाना वो सीधा ही आपकी रिपोर्ट उत्थे फार्मेसी कर सकता है। सब तो वड्डी गल है भी हॉस्पिटल की जी अंदर फार्मेसी पहले होंगी सी बंद हो जाती सी, मुलाजम टाइम हुंदा सी, इहदा कोई हुण टाइम नहीं, खुला टाइम है। तकरीबन असीं 24 घंटे वाला काम किया भी इत्थे जदों मर्जी आओ तो आपकी दवाई ले जा सकते हो। मोगा से हरपाल सिंह, जीवे पंजाब के लिए।